शिकवा नहीं है ना, वादा पूरा कर दिया मैंने। जी बाबा। तो जा फिर बेटा, अल्लाह क्या हाल है। तुम परेशान मत हो, कल हमारे केस की हेयरिंग है, ठीक है, कल ये घर हमारे नाम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्लीज तुम जाओ, अलीना तुम्हारी वजह से बहुत शर्मिंदा है। हम दोनों ने निकाह किया है और वो भी तलाक के बाद। तलाक के बाद या तलाक के बगैर, ये तो आपको कोर्ट में साबित करना है, लेकिन हमारे पास आपके उन ताल्लुकात का सबूत है जो आपने अब तक रहमत बाबा के साथ उस्तवार कर रखे हैं। रहनी और मैं मेरा साथ नहीं देते तो मेरी उस औलाद का नाम दुनिया के लिए गाली बन जाएगा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, और आप वजह जानते हैं कि दुनिया उसको किस नाम से पुकारेगी। मैं अपने बच्चे को कभी भी गाली नहीं बनने दूंगा ताहिरा, तुम भी बेफिक्र हो जाओ और बेफैज इंसानों से किनारा करके सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। मैं कह रही हूँ ना, मैंने ये तलाक रजिस्टर करवाई थी नाजिम के दफ्तर से, न जाने कागजात कैसे गायब कर दिए गए। जनाबे अली, जब नाजिम के लिए ये बात थी तो उसको अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया। जनाबे अली, बल्दियाती साबिका निजाम के खादने के बाद साबिका नाजिम का भी कुछ पता नहीं, शायद वो मुल्क छोड़कर जा चुके। मैं ताहिरा निजाम की बेटी एनी को बतौर गवाह बुलवाना चाहता हूँ। मैं उमेर वजाहत अली खान से शादी करना चाहती थी, इसलिए जब एन निकाह के वक्त मैंने इनकार किया तो अम्मी और बाबा का बहुत झगड़ा हुआ, और फिर मैंने अम्मी के साथ बाबा का घर छोड़ दिया। तो क्या आपके वालिद ने घर से जाते हुए आपकी वालदा को तलाक दी थी? जवाब दें। नहीं, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें अल्लाह से खौफ नहीं आता एनी? तुमने सच बोलने के लिए हलफ उठाया है। मैं सच बोल रही हूं, बाबा का घर छोड़ने के बाद अम्मी ने मुझे एग्जाम के लिए शहर से बाहर भेज दिया। जब मैं वापस आई तो तब तक मेरी उमर से शादी तय हो चुकी थी, लेकिन इस अरसे में अम्मी का लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुका था, और फिर मेरी और उमेर की शादी के बाद मालूम हुआ कि अम्मी वजाहत अली खान की बीवी बन चुकी है। ये झूठ बोल रही जस साहब, मेरी तलाक हो चुकी है। मैं एक पढ़ी लिखी मुसलमान औरत हूं और ये अच्छी तरह से जानती हूं कि निकाह पे निकाह करना मजहबी इखलाकी और माशी तौर पर एक गुनाह है। जनाब अली, इनके पास तलाक का कोई सबूत ही नहीं है, इसके बाद भी वो रहमत से मिलती रही है। ये भी झूठ है। ये सच है और उसका सबूत है जनाब अली, ये तस्वीरें जो वजाहत अली खान के बेटे ने अपने कैमरे से खुद उतारी है। इसलिए जनाब अली के उमेर भी अपने बाप के इस मकरूह फेल पर अपने आप से सख्त शर्मिंदा है। ये लीजिए वकील साहब, पेश कीजिए। जनाब अली, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये घिनौना इल्जाम है मेरे मुवक्किल के खिलाफ। वजाहत अली खान का इस मुआशरे में एक मकाम है, एक हैसियत है, वो कभी भी ऐसा घिनौना जुर्म नहीं कर सकते। दोनों फरीकैन को सुनने के बाद भी
عدالت کسی نتیجے پر پہنچنے سے معذور ہے، اس لیے کہ وجاہت علی خان اپنی دفاع کی تیاری کے بغیر ہی عدالت میں حاضر ہو گئے اور طلاق کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ بہرحال وجاہت علی خان کے معاشرتی مقام اور طاہرہ بیگم کی تعلیمی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ان دونوں کو ایک موقع اور دیا جائے۔ اگلی پیشی تک طاہرہ بیگم اور وجاہت علی خان، اگر طاہرہ بیگم اور رحمت کے درمیان طلاق کا ثبوت نہ پیش کر سکے تو عدالت ان کے نکاح کے دعوے کو جھوٹا قرار دے دے گی، اور عدالت یہ حکم جاری کرتی ہے کہ عدالت کے فیصلے تک طاہرہ بیگم اور وجاہت علی خان ایک دوسرے سے دور رہیں گے، الگ الگ گھر میں، اور ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کریں گے، کیونکہ شک کی گنجائش رہتی ہے اس رشتے میں۔ عدالتی حکم پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے۔ خونی رشتوں پر شرمندہ ہونے والے وجاہت علی خان، یہ جدائی عارضی نہیں، ہمیشہ کی دوری ثابت ہوگی۔ یہ میری بد دعا بھی ہے اور میرا یقین بھی۔ آنکھ بھر آسمان، رحمت بابا میں بہت خوش ہوں۔ پتہ ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ برسوں بعد مجھے میرے ابا واپس مل رہے ہوں۔ ارے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں طاہرہ کو دوبارہ بیا کے لے آیا ہوں۔ ویسے ایک بات ہے، طاہرہ میری خدمت بڑی کرتی تھی، کیوں ہے نی؟ ارے ہنی بیٹا، تو کیوں رو رہی ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں بابا، میں نہیں جانتی کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ یعنی ہمارے ماں باپ کا رشتہ ہمارے لیے عذاب بن گیا تھا، لیکن تمہاری ماں نے جو ہٹ کنڈے آزمائے تھے نا، وہ سب ناکام ہو گئے۔ اب ہمارے بچے کو ہمارا حق مل جائے گا اور وہ سکون سے رہے گا۔ کیا معلوم کس کو حق ملا اور کس کا حق چھن گیا۔ ارے تجھے تیرا حق ملا ہے، وہ گھر جس پہ اب صرف تیرا راج ہوگا۔ بھائی بڑی لکی ہے تو میرے۔ سکینہ بھی آپ؟ رو بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ وکیل صاحب آپ ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیں۔ جی ضرور۔ وجاہت میاں نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ آ رہی ہیں ایک نئی آزمائش لیے، لیکن سکینہ بھی آپ کہاں چلی گئی تھی؟ طاہرہ بیگم، مجھے وجاہت میاں نے ڈھونڈ لیا، میں کہاں جاتی؟ میرا نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی ٹھکانہ۔ تو پھر مجھے وجاہت نے بتایا کیوں نہیں؟ اس لیے بیٹا کہ وجاہت میاں جانتے تھے کہ آپ مجھے آنے پر مجبور کریں گی، اور میں ان بچوں کے ہاتھوں اور ذلت میں اٹھانا چاہتی تھی جن کو میں نے اپنی گودوں میں پالا ہے، اس لیے خاموشی سے رہ رہی تھی۔ خیر آپ اندر چلے بیٹھے۔ ماما آپ بیٹھ جائیں نا، اتنی ٹینشن میں کیوں ہیں آپ؟ اب تو عدالت کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، اب تک تو اطلاع آ جانی چاہیے تھی وجاہت اور طاہرہ کے الگ ہونے کی۔ پہلی ہیئرنگ میں کوچ اتنا بڑا فیصلہ نہیں سنا سکتی ماما۔ سنا سکتی ہے اور ایسا ہونا چاہیے، مگر آپ کے کہنے سے تو ایسا نہیں ہوگا نا۔ ہوگا، میرے دل سے آہ نکلتی ہے کہ طاہرہ برباد ہو جائے اور اسی مقام پر آ کر کھڑی ہو جائے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا، غربت اور ذلت کی اسی منزل پر آ کر کھڑی ہو جائے جہاں سے چلی تھی۔ ایسا ہی ہوگا ماما، اب آپ سکون سے بیٹھ جائیں پلیز۔ مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک کہ میں طاہرہ کی بربادی کی خبر نہیں سنوں گی۔ اچھا اب آپ چلیں میرے ساتھ پلیز۔ بھابھی سنبھالی اپنے آپ کو۔ خود کو کیسے سنبھالوں وکیل صاحب، میری دنیا اجڑتی رہی اور
आप मुझे और वजाहत को दिलासे देते रहे। भाभी मैंने तो बहुत कोशिश की कोई गवाह मिल जाए, लेकिन सब बेसुध साबित हुआ। एनी की एक दोस्त थी इरम, उसके भाई ने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन अफसोस वो फैमिली भी अमेरिका शिफ्ट हो गई, वरना आज एनी इतनी ढिठाई से झूठ नहीं बोल सकती थी। एनी और उमेर ने तो हद कर दी, मुझे तो शर्म आने लगी है रिश्तों पर। और हम शर्मिंदा इसलिए हैं कि हमारे पास कोई गवाह मौजूद नहीं, पता नहीं अजियत कब खत्म होगी। भाभी ये चंद दिनों की अजियत उम्र भर के लिए राहत साबित होगी, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आजमाइश के ये दिन भी टल जाएंगे, हौसला रखो मेरा बेटा। सकीन अभी हर वक्त टल जाता है, ये भी टल जाएगा, लेकिन इस एहसास का क्या करूं कि इस जिल्लत के गड़े में फेंकने वाले मेरे अपने बच्चे हैं। अलीना, अलीना, अलीना मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, अब हमें हमारे पापा मिल ही जाएंगे। सच? हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा है, पापा की इस मनहूस औरत से जान तो छूटेगी। मुझे यकीन था, इसीलिए मैंने मिठाई पहले से मंगवा कर रखी है सबका मुंह मीठा करवाने के लिए। और तुम्हें पता है, कोर्ट ने उन्हें फैसला दे दिया कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, उनके पास कोई सबूत ही नहीं था तलाक का। हद हो गई भाई, तौबा तौबा, बेशर्मी की हद होती है। बगैर निकाह के मियां बीवी बनकर रहते रहे इतना अरसा, और वो बच्चा, वो बच्चा मेरी जायज औलाद है। माना कि शिकस्त से ज्यादा शिकस्त की अजियत नदामत देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान अपने हवास ही खो बैठे। मुझे आज की शिकस्त में ना कोई नदामत है और ना अजियत, इसलिए कि ये शिकस्त नहीं है, एक वक्ती इम्तहान है। अलबत्ता शिकस्त आप लोगों का मुकद्दर बनने वाली है, लेकिन मुझे अजियत जरूर है इस आरजी जुदाई की, और नदामत भी है इस बात पे मैं उमेर का बाप और आपका भाई हूं, और इस बात पे भी कि ताहिरा एनी की मां है। खूनी रिश्तों पर शर्मिंदा होने वाले वजाहत अली खान, ये जुदाई आरजी नहीं, हमेशा की दूरी साबित होगी। ये मेरी बद्दुआ भी है और मेरा यकीन भी। अफसोस से कहना पड़ता है अब्बा, आपकी बद्दुआएं आप ही का पीछा करेंगी। मैं तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाना चाहती हूँ, अदालत ने फैसला सुना दिया है, तुम भी अपना वादा पूरा करो। कोई वादा याद नहीं है मुझे, ना मैं याद रखना चाहता हूँ, ना ही मेरे पास कुछ है आप लोगों को देने के लिए, इसलिए कि अपना सब कुछ लुटा चुका हूं मैं। तो फिर मैं तुम्हें अली की शादी की दावत अभी से देती हूं, आना जरूर। क्यों ना बांटे मिठाइयां, क्यों ना मनाए जश्न। अरे हमारा बदतरीन दुश्मन इस घर से चला गया है। अगर वो तुम्हारी दुश्मन है तो मुझे भी अपना दुश्मन ही तसव्वुर करो। आंख भर आसमान।
अजरा बेगम खाना खा ले, मैंने आपकी पसंद की दाल बनाएंगी। सकीना भी वजाहत ही दवा का वक्त हो रहा है, पता नहीं दवा ली भी कि नहीं ली। आप परेशान ना हो ताहिरा बेगम, मिलने पर पाबंदी है, फोन करने पर पाबंदी थोड़ी है। आप ऐसे करें कि पहले खाना खा ले, फिर वजाहत मियां से बात कर लीजिएगा और उनको दवा का बता दें। वजाहत को तो ये तक नहीं मालूम कि दवा रखी कहाँ है और कौन सी दवा किस वक्त लेनी है, और मेरा फोन उनकी गाड़ी में गिर गया है। आप पहले खाना खा ले, फिर मेरे मोबाइल से बात कर लीजिएगा। सकीना भी प्लीज पहले मेरी बात करवा दे, फिर मैं खाना खा लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन लेके आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सकीना भी, ताहिरा कैसी? मुजाहद मैं हूँ ताहिरा। मुजाहद आपके बगैर मेरा क्या हाल होगा, आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। ताहिरा घबराना नहीं, परेशान मत होना बिल्कुल, सुनिए अपना ख्याल रखना। जब तक आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है ना मुजाहद, मैं हर मुसीबत हर मुश्किल झेल लूंगी। प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करना। वजाहत आप पहले कुछ खा लें प्लीज। फ्रिज में सब कुछ रखा हुआ है, और आपकी बेड साइड टेबल की दराज में ना दवाएं भी रखी हैं आपकी, और वहाँ डोज के हिसाब से मैंने वक्त भी लिख दिया था, प्लीज ले लीजिएगा। हाँ दवाई मैं ले लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं ऐसे करता हूँ, तुम्हारे सारी मेडिसिन विटामिन वगैरह और बाकी सामान अभी ड्राइवर के हाथ भिजवा देता हूँ। अच्छा वजाहत, आपकी गाड़ी में मेरा सेल फोन भी रखा है, वो भी भिजवा दें प्लीज। हाँ मैं अभी सामान के साथ गाड़ी भिजवा रहा हूँ, और ड्राइवर वहीं रहेगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। ड्राइवर के हाथ से मैं रोजाना आपका खाना भिजवा दिया करूंगी, बस आप प्लीज बदफरेजी ना कीजिएगा। हाँ, तुम परेशान ना हो, बस अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ये लो जी, मुंह मिठा कर। ये किस खुशी में? मेरे अब्बा और तुम्हारी अम्मी के इस घर से जाने की खुशी में। अब इस घर को और इस घर में रहने वाले सारे लोगों को उनके नापाक वजूद से छुटकारा मिल गया। लेकिन अदालत ने भी फैसला नहीं सुना। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, अदालत का फैसला भी यही होगा। अरे अभी तो उनको सिर्फ आर्जी मोहलत मिली है, उसके बाद दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, और ये जो निकाह का नाटक किया हुआ है ना उन्होंने, ये भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। यानी ये वक्त सोचने और समझने का नहीं है, अब ये वक्त खुशियां मनाने का है। बस मुझे सिर्फ अदालत के फैसले का इंतजार है, और जिस दिन ये फैसला हो गया ना उसके बाद इस पूरी जायदाद का अकेला वारिस सिर्फ मैं होगा, और मेरे बाद हमारा बच्चा। ये लो, मुंह मीठा करो। ये बात अलीना, तुम यहां खड़ी भी हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की मिठाई लेकर आया। ये लो मिठाई। वो क्यों? तुम देखना, अब्बा को उस औरत से छुटकारा मिल गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए उनका ख्याल भी वापस आ जाएगा। और वो औरत उनकी जिंदगी से चली गई ना, तो ये जो जायदाद अब्बा ने उसके नाम कर रखी है सब हमें मिल जाएगी। काश पापा ने इतना बड़ा कदम लेने से पहले सोच लिया होता, तो आज मैं इतनी शर्मिंदा और बेबस ना होती। मेरी बर्बादी की वजह वो ताहिरा है। अब वो भी उजड़ेगी, तुम देखना। दे लो मिठाई खाओ। मेरा मुंह भी तो मीठा कराओ, मैं भी तो इस बात का जश्न मनाऊं कि आज मेरी औलाद की तलख हकीकत का एक और पहलू मेरे सामने आया है। मुझे बदनाम और बर्बाद करके मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। तो क्यों ना बांटे मिठाइयां, क्यों ना मनाए जश्न।
अरे हमारा बदतरीन दुश्मन इस घर से चला गया है। अगर वो तुम्हारी दुश्मन है तो मुझे भी अपना दुश्मन ही तसव्वुर करो। आज तुम लोग मुझे अकेला और बेसुकून करके खुशियां मना रहे हो, याद रखना एक दिन खुशियां छिन जाने का मातम भी तुम ही करोगे। ये है हमारा बाप। नहीं, ये हमारा बाप नहीं है। जिस बाप ने मुझे बेटा कहने से इनकार कर दिया है, मैंने भी उसे बाप मानने से इनकार कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था मामा, क्या मामू की बातों में मत आए। बातों में नहीं आई, मैंने तो मौका दिया था। लेकिन अब देखना, शादियां बजेंगे, शहनाइयां गूंजेंगी वजाहत की बर्बादी की। भाई काश आपने अनी से शादी ना की होती तो आज हमारी जिंदगी में तबाही तो ना आती। आंख भर आसमान आंख भर आसमान भर आसमान मेरे हिस्से का सपनों।